फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अपने रूम में और आपको बताती हूँ। ये हमारा छोटा सा रूम है और ये कवर्ड है। सो थोड़ी रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने और अभी रात होती है और पता नहीं दर्शन अभी होंगे या बाद में। जहाँ पे जो लोग फोटो खिंचा रहे हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। गोल्डन टेम्पल। सो कौन नहीं जानता है इस गोल्डन टेम्पल को, सब जानते हैं, बट फिर भी जब आप खुद आते हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स, आप तो मेरी वीडियो के माध्यम से तो मेरे साथ चलते ही हैं, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आप देखिए ये नाइट का व्यू, गोल्डन टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए ये सुंदर सरोवर कितना सुंदर लग रहा है, मन मोह जाता है। और उसी तरह मेरा भी मन मोह गया, मतलब हम इतनी दूर से आए ना, इतनी दूर से जम्मू से हम यहाँ आए और पूरा रास्ते में यही था कि बस गोल्डन टेम्पल आ जाए। बिल्कुल थकावट फील नहीं हुई हमें, क्योंकि गोल्डन टेम्पल आ रहे हैं तो बाबा जी ने हमें बुलाया है, तो हम थक कैसे सकते हैं। और जब यहाँ पे आए तो इसकी ब्यूटी देख के तो बहुत ही ऑसम फील हो रहा है, ऑसम। इतना सुंदर सरोवर है, उसको देख के तो मन मोह जाता है। और वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है और आई होप कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा जब आप यहाँ पे आएंगे और सरोवर में स्नान करेंगे। और मैं तो फिलहाल थोड़ा सा पानी को टच करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। और यहाँ पे सुंदर सुंदर फिशेज हैं जिनको देख के तो मन कर रहा है कि मैं इसमें टच कर लूँ, बट टच नहीं करते हैं। और चलिए मेरे साथ। बेटा जी ऊपर आ जाओ, फ्रेंड्स मैंने ध्यान से देखा तो इस स्टेयर पे भी इतनी छोटी छोटी फिशेस थी और है
थैंक गॉड कि मैंने अपने पाँव उठा लिए, क्योंकि फिशेज को हार्म हो सकता था ना, फिशेज को हार्म तो नहीं होना चाहिए। और स्टेयर्स पे वो आ रही है, छोटी 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 छोटी, ब्यूटीफुल लग रही है बहुत ज़्यादा। बेर बाबा बुद्धा साहिब, चलो बेर बाबा बुद्धा साहिब। कर लिए दर्शन और हम आ गए हैं बाहर। बट फ्रेंड्स अभी मार्केट पूरी क्लोज है। सो फ्रेंड्स अभी पूरी की पूरी मार्केट क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है 9 बजे के बाद, और अभी हो रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं, तो इसलिए अभी सब बंद है। सो मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार कैसा है यहाँ पे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और मज़े करेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ की मार्केट ओपन हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया कि 5 बजे जो है पूरा लॉकडाउन जो है लिफ्ट हो जाता है, तो अब हो गया, इसलिए हम बाहर आए और थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करेंगे। मैंने सुना है यहाँ की शॉपिंग बहुत टेम्पटिंग है। सो रात को हमने थोड़ा थोड़ा देखा भी था, बट हम तब दर्शन के लिए जा रहे थे इसीलिए हम शॉप कर नहीं पाए, और अभी तो डेफिनेटली करना ही है अमृतसर में जो है, और यहाँ की चीज़ें फेमस हैं, सो हम भी ज़रूर लेंगे। सो फ्रेंड्स हम पहुँच गए शॉप पे, इसका नाम है सिमरन फुलकारी। सो बाहर तो अपने यही वाला लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी चप्पल्स हैं यहाँ पे, और पंजाब में आके चप्पल नहीं खरीदी तो क्या खरीदा, और फुलकारी दुपट्टा, वाओ ऑसम, कितने ब्यूटीफुल से कलर्स हैं देखते ही। शॉप का नाम है सिमरन पंजाबी जुत्ती, और ये भैया दिखा रहे हैं इतने सारे इतनी प्यारी सी दुपट्टा दिखा रहे हैं, और स्पेशली अगर कोई वेडिंग के लिए कोई कुछ चाहिए हो तो यहाँ ही शॉपिंग करनी चाहिए। वाओ ये भी बहुत अच्छी है। ये चने हैं साथ में, चने काटे हैं, तो यही कर दो 2 प्लेट।
उसी टाइम में हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है। हम ऑर्डर दे रहे हैं, अब देखते हैं कब तक आता है। यहाँ पे अमृतसरी कुलचा फेमस है तो वही खाते हैं। आई लव ब्रदर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। आ रहा ठीक देखी माड़ा का कोई माड़ा छोटा क्या बोलते हैं इसको बाबा कलर दे रहे हैं। एक रेड एक येलो निकाल दो ना। सो फ्रेंड्स ये था अमृतसर का बाजार। हमने कुछ शॉपिंग कर भी ली है और आई होप आपने भी इंजॉय किया ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बाजार देख के तो कोई भी मतलब ये कहेगा कि शॉपिंग करनी ही करनी है, क्योंकि ऐसी वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी। मान लो अगर आपको दुपट्टा भी लेना है ना फुलकारी, तो आपको एक पूरी शॉप मिल जाएगी फुलकारी दुपट्टा के लिए। और अगर जुत्ती चाहिए तो पर्टिकुलरली जुत्ती सिर्फ वैसी टाइप की जुत्ती ही मिल जाएगी। All about today's video. I'm going to end the vlog here. I hope you must have enjoyed it. Bye bye. Take care.